हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम Redmi 9 Power के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, Redmi 9 Power ये वाला जो स्मार्टफोन है 15 दिसंबर को आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों पक्की तो खबर निकल के नहीं है, लेकिन रूमर निकल के आ रही है कि ये वाला स्मार्टफोन 15 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट वीक में चाइना में Redmi Note 9 जो 5G सीरीज है वो लॉन्च हुई थी, जिसमें जो Redmi Note 9 4G वाला स्मार्टफोन था वही स्मार्टफोन रिब्रांड होकर आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। और ये वाला स्मार्टफोन Redmi 9 Power के नाम से इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आने वाली है और किस प्राइसिंग में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए, जिसमें मैं आपको Redmi 9 Power की फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। नीचे आपको जो लाल वाला बटन दिया गया उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे रोजाना स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों आपको इधर 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले तो आपको इस वाले स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, Qualcomm Snapdragon 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 13 नैनोमीटर पर बेस्ड होने वाला है। तो दोस्तों साथ में आपको Adreno 610 वाला GPU भी देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आपको इस वाले स्मार्टफोन में बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसकी कैमरे की बात करें, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, ऐसा आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा। दोस्तों आप इसमें 1080 30fps तक वीडियो शूटिंग कर सकते हो, और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल की भी सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कैमरा इस वाले स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में बात करें, 6000 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जर इस वाले स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थी सब मेन स्पेसिफिकेशन। कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको इधर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, ड्यूअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, और आपको इधर USB टाइप सी 2.0 का सपोर्ट, ऐसे कुछ और फीचर्स इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाले है। दोस्तों ये थी सब स्पेसिफिकेशन जो निकल के आ रही है Redmi 9 Power के बारे में। अब मेन बात, इसके वेरिएंट क्या हो सकते हैं, प्राइस क्या निकल के आ सकते हो, और कब ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया ये वाला स्मार्टफोन 15 दिसंबर को शायद आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। दोस्तों कंफर्म डेट तो निकल के नहीं आई है, लेकिन र्यूमर निकल के आ रही है आपको इधर 15 दिसंबर को इंडिया में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन अंडर 10K आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, 10,000 के अंडर ही आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और इधर आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, ऐसे दो मेन वेरिएंट आपको इस वाला स्मार्टफोन में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, आज के वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों मैंने आपको Redmi 9 Power के बारे में बताया है, इसके फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट सभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे रोजाना स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।